सो हेलो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। हम लोग आ चुके हैं फिर से न्यू वीडियो लेकर जुबा में, और आज हम लोग यहाँ पे खेलने वाले हैं बक के साथ। और बक इस करेक्टर में क्या एबिलिटी है और ये खेलने में मुझे किस टाइप का लगता है, तो मैं आज ये बात सभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज, अगर तुम लोग जुबा खेलते हो तो गाइज ये वीडियो देखो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और साथ में गाइज, आज बक को जो है मैं लेवल 13 तक कर लूँगा अपग्रेड, और साथ में बक का एक स्किन है भाई लेजेंडरी वाला, लेजेंडरी नहीं सॉरी हम लेजेंडरी बोल रहे हैं, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा खतरनाक लग रहा है। तो ड्रैगन वाला इसका स्किन है, ड्रैगन बक तुम बोल सकते हो। तो गाइज उसको भी यहाँ पे जो है लेवल 10 में ये मतलब ये वाला स्किन तो हमको लेवल 10 में ही मिल जाएगा। तो सिंपली गाइज यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे अनलॉक करते जा रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं लेवल 7 यहाँ पे हो जाएगा मेरा अपग्रेड, लेवल अप हो गया बक, लेवल 7 मेरा हो गया। तो हमको गाइज यहाँ पे देखते हैं लेवल 13 तक कर पाएंगे, जिसमें कि प्राइमरी स्टेट है जो स्लोट है उसको भी अनलॉक कर लेंगे। और उसके बाद गाइज तुमको हम बताएंगे बक का एबिलिटी, बक कैसा वर्क करता है, और ये मतलब ये कितना अच्छा मतलब तुम लोग को लगेगा अगर तुम लोग इसका यूज करोगे, और साथ में मुझे कितना अच्छा लगता है वो मैं आज सब बात बताऊंगा। एंड उसके साथ ही गाइस देखो यहाँ पे एक इमोट मिल गया, क्या बात है भाई। यहाँ पे देखो तुम मतलब किसी के साथ टीम अप कर सकते हो, तो ये झंडा वाला इमोट दिखाओ भाई, टीम अप कर लो टीम अप कर लो। लेकिन यहाँ पर जो है सब लोग टीम अप करके एक दूसरे को मार देता है, तो एकदम कॉमेडी वाला सीन हो जाता है। एंड उसके साथ ही गाइस देखो यहाँ पे बग जो है, यहाँ पे इसका बम डैमेज इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे शॉर्ट गन का भी डैमेज, क्या बात है भाई। उसके साथ शॉर्ट गन में +1 पॉइंट, बम में भी +1 पॉइंट मिल गया, तो हम जो है उसका रेंज कूल डाउन ये सब घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एंड उसके साथ ही गाइस देखो यहाँ पे बक मेरा हो चुका है लेवल 9, तो इसको जो है लेवल 13 तक ये मेरा होगा, बिकॉज जितना टोकन है उसके हिसाब से मेरे पास लेवल 13, ये मेरा आई थिंक लेवल 13 तक कम्प्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद ही यहाँ पे देख लो, और एक आइटम स्लॉट मिल गया है। और बक में गाइस यहाँ पे जो ना आइटम तुम यूज़ कर सकते हो, जंगल शूज गाइस बहुत फ़ायदा करेगा, बिकॉज देखो गाइस बक जो है बक एकदम स्लो स्लो चलता है, तो अगर तुम इसमें जंगल शूज यूज करोगे तो भाई यहाँ पे बक के लिए बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि तुमको पता होगा गाइस, कोई भी जंगल जहाँ पे मतलब जो भी मैप में घास रहता है, ग्रास ग्रास टाइप से रहता है, घास वास रहता है, अगर वहाँ पर अगर ये भैंसा जो है, ये बक जो है गाइस, ये अगर थोड़ा सा चलेगा तो गाइस इसको जो थोड़ा स्पीड बूस्ट हो जाता है। तो जंगल शूज गाइस काफ़ी ज़्यादा काम करता है जो आइटम्स है, तो इसलिए गाइस तुम लोग यहाँ पे इसमें जंगल शूज, और साथ में जो है हेल्थ बढ़ाने के लिए एड्रेलन, क्या नाम है भाई उसका, आस्क नाम हम सही से ले ही नहीं पा रहे, ध्यान ही नहीं दिया है। और साथ में जो हेल्थ किट वेल्थ किट जो भी मतलब वहाँ पे बहुत सारा आइटम है जिससे कि तुम अपना हेल्थ भी इंक्रीज कर सकते हो। और फाइनली गाइज यहाँ पे निकल चुका है ये वाला स्किन जो कि लेवल अप करने पे मिला हमको, ड्रैगन बक का। ये देखो ऊपर में इसका ड्रैगन वाला एक मुखौटा बना दिया है, बक के ऊपर में ड्रैगन, और इसका जो है बॉडी पे भी एकदम ड्रैगन वाला यहाँ पे पोशाक, इसको कपड़ा क्लॉथ बना दिया गया है। तो तुम लोग बताना गाइज ये वाला स्किन कैसा लग रहा है, क्योंकि बक का गाइज उतना हम देखे, बक का तुम लोग को स्किन भी दिखाएंगे कि अभी तक में कितना स्किन है। ऐसा गाइज 2-3 ही स्किन है जो कि दिया हुआ है अभी तक गेम में, नहीं तो उससे ज़्यादा तो बक का अभी तक में स्किन आया नहीं है। एंड उसके साथ ही गाइज देखो लेवल 10 में तो हो गया, एंड उसके बाद फिर यहाँ पे हमको एक और इमोट यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे गोल्ड यूज कर दिए हैं, गोल्ड गाइज बहुत ज़्यादा लगता है, जैसे तुम थोड़ा लेवल अप मतलब ज़्यादा करोगे ना तो उसमें तुम्हारा गोल्ड ज़्यादा लगेगा। देखो भाई यहाँ पे ये इमोट मेरा 12,000 गोल्ड लग गया भाई यहाँ पे, तब जाके ये वाला इमोट निकला। और इसके साथ ही मेरा हो चुका है बक यहाँ पर लेवल 12 का, क्या बात है भाई। और इसका 15% हेल्थ इंक्रीज हो गया, और अब गाइज प्राइमल इंस्टिंक्ट अनलॉक होगा, तो प्राइमल इंस्टिंक्ट हमको जब मिलेगा ना इसका बक का, तो गाइज प्राइमल इंस्टिंक्ट के साथ ही बक का एबिलिटी तुम लोग को अलग बताएंगे। बिकॉज गाइज ये गेम में मेरे पास जितना करेक्टर है मैं सबका एक्सपीरियंस मैं अपने हिसाब से तुम लोग को ज़रूर बताऊँगा। तो फाइनली गाइज देखो यहाँ पे हो गया प्राइमल इंस्टिंक्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर चीज़ होता है इसमें, जो कि बहुत एक अलग टाइप का स्किल तुम यूज कर सकते हो, तुम लोग को हम बता ही चुके हैं। एंड उसके साथ गाइस देखो बक फाइनली मेरा लेवल 13 हो गया है, और जितना भी टोकन था करेक्टर का वो सब मेरा ख़त्म हो चुका है। तो अब गाइस यहाँ पे जो है इसको थोड़ा जितना है अपग्रेड कर लेते हैं 12,000 में। यहाँ पर बम का डैमेज बढ़ गया, बम का +1 पॉइंट बढ़ गया, और भाई 50,000 गोल्ड लगता है स्पीड इन वाटर, क्या बात है भाई। और 9,000 गोल्ड यहाँ पर लग गया शॉर्ट रन का डैमेज, तो बस इतना ही है। और लेवल 14 होता तो मेरा एक और स्लॉट यहाँ पे खुल जाता, बट लेवल 14 फिलहाल अभी नहीं हो आएगा, बिकॉज उसके लिए मुझे और भी ज़्यादा टोकन का जरूरत है। और यहाँ पर जो है हम मतलब एक ऐसे ही यूज करने के लिए ये वाला लगा लिए थे, क्या बोलते हैं मतलब ये फालतू में मतलब हम अलग ही लगा लिए थे, ये वाला आइटम्स हम उस टाइम गलत लगा लिए थे, तो टर्बो रॉकेट का यहाँ पर यूज़ किया। बट यहाँ पर जो है ना हम इसमें फिर ये चीज़ सही किया गया, स्पीयर का जो रेंज है हम इसको थोड़ा बढ़ा लिए, और कूल डाउन भी थोड़ा इसको बढ़ा लिया है। मतलब हम जैसे खेल रहे हैं गाइज, हमको जैसा लग रहा है खेलने में कि इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे कर रहा हूँ। तो तुम लोग के पास बक है, बक तो वैसे स्टार्टिंग में ही बहुत लोग को मिल ही जाता है, तो मेरे ख्याल से बहुत लोग जो लोग जुआ खेलते हो वो लोग के पास बक होगा ही,
तो सिंपली गाइज यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे कूल डाउन भी इसका डिटेक्शन थोड़ा इंक्रीज कर दिया। और अब गाइज आओ जाओ डायरेक्ट गेम प्ले के ऊपर, ठीक है। बक को यहाँ लेवल अप कर लिया। अब देखो गाइज बक का एबिलिटी हम तुम लोग को अच्छा से बताते हैं। देखो गाइज यहाँ पे तुमको दिखाते हैं, जैसे देखो अब यहाँ पे एक गार्ड है, जो तुमको पता है इस गेम में जो भी गार्ड होता है वह गार्ड एक बोट होता है, तुम इसको मार के जो मेडिकेट उठा सकते हो। तो गाइज बक का यहाँ पर जो स्किल है ये यहाँ पर मतलब इसका एक्टिव स्किल ये है कि अगर तुम इसका एक्टिव स्किल पे अगर क्लिक करोगे तो गाइज ये देखो अभी एक्टिव स्किल यूज करेंगे। देखो यहाँ पे ये लोमड़ी है ना, एक्टिव स्किल यूज करें तो ये अपना सिंग से जो है ना, ये भैंसा अपना सिंग से जो है यहाँ पे लोमड़ी को मार दिया। और साथ में ये शॉर्ट गन यूज कर सकता है, और स्पेयर जो स्पेयर राउंडिंग ये देखो सर्किल घुमा के स्पेयर यूज कर सकता है। और यहाँ पर हम जंगल से यूज किए हैं तो मेरा जो स्पीड थोड़ा बूस्ट होता है, तुम लोग ध्यान देना है कि जैसे भी मतलब यहाँ पे चलते हैं तो थोड़ा सा जो है ना, मतलब जैसे ये वाला करेक्टर यहाँ पे चलता है तो इसका स्पीड थोड़ा बूस्ट होता है, क्योंकि हम यहाँ पे जंगल सूज वाला आइटम यूज कर लिए हैं। इसलिए तुम लोग जो लोग जुबा खेलते गए उसको पता ही है। और इस वाले गेम में तुमको तुम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पे एक तुमको शॉर्ट गन मिलेगा, और साथ में मतलब सबका कोई कोई होता है, कोई करेक्टर जो है बम का यूज़ नहीं करता, कोई स्पेयर का यूज़ नहीं करता, तो कोई शॉर्ट गन का नहीं, कुछ ना कुछ जो है चार वैसे वेपन्स होता है। एक बो होता है तुमको पता है धनुष, और एक भाला जो स्पेयर है, और बम ग्रेनेड, और एक तुम्हारा हो गया ये शॉर्ट गन, ठीक है। तुम बंदूक बोल दो यार, शॉर्ट गन शॉर्ट रेंज में, और क्या बोलोगे उसको हिंदी में। यहाँ पे देखो एक इसको मार लिया, ये लोमड़ी जो तभी से हमको परेशान कर रहा था, तो ये लोमड़ी को यहाँ पे मार दिया भाई। मतलब निक्स जो है ना, निक्स का स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो भाई बहुत परेशान कर दिया था। तो यहाँ पर जो फाइनली इसको मार दिया, और इसके साथ ही गाइज मेरा हो चुका है 3 किल, और हमको ये वाला मैच निकलना है विक्ट्री, ठीक है। तो और भी बंदा खोज रहे हैं, देखो यहाँ पे हमको मिला है ये, देखो ये चिंपांजी गया, गोरिल्ला मेरे पे कूद रहा है, लेकिन गोरिल्ला को पता ही नहीं कि यहाँ पे हम जंगल सूज यूज कर लिए हैं। और ब्रूस जो गाइज ब्रूस ये भी मतलब काफ़ी मतलब स्लो चलता है, तो इसमें भी गाइज जंगल सूज जो है आइटम वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम वैम्पायर की यूज करते हो तो वो भी सही है, बट लेकिन जंगल सूज गाइज जो भी स्लो करेक्टर है, जैसे ब्रूस है, उसके बाद तुम्हारा ड्यूक हो गया जो लाइन वाला करेक्टर, वो भी थोड़ा स्लो चलता है। जो भी थोड़ा स्लो चलता है गाइज जंगल सूज तुम अगर लगा लोगे तो वो बहुत ज़्यादा तुमको हेल्प करेगा जंगल सूज। एंड इसके साथ ही गाइज यहाँ पे खरगोश भाग रहा है, स्किपी नाम है इसका, तो स्किपी को भी हम मार देंगे। और इसके साथ ही गाइज यहाँ पे हो चुका है मेरा विक्ट्री, और हम यहाँ पे कर लिए हैं 6 किल। तो तुम लोग बताना गाइज इसका एबिलिटी तुम लोग को कैसा लगा। तो हमको गाइज काफ़ी अच्छा लगा इसका एबिलिटी, ठीक है। और लेवल अप भी कर लिया, इसका लेवल 13 हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है भाई, यहाँ पे हमको गेम खेलने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। एंड इसका प्राइमल इंस्टिंक्ट जब अनलॉक होगा तब तो भाई यहाँ पे इसका तो और भी अलग एबिलिटी हो जाएगा, तो प्राइमल इंस्टिंक्ट कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी इसका अनलॉक कर लेंगे, तो तुम लोग को बताएंगे गाइज इसका प्राइमल इंस्टिंक्ट में कितना अच्छा वर्क करेगा और कितना अच्छा तुम लोग भी खेल सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, अब हम तुमको दिखाते हैं गाइज यहाँ पे इसका जो कुछ इमोट हमको मिला है, तो वो इमोट को हम लगाना भूल गए थे, तो अभी गाइज उस इमोट को लगाएंगे। और इसके साथ ही गाइज तुमको इसका स्किन दिखाते हैं गाइज, इसकी मतलब कितना स्किन है अभी तक गेम आया। देखो ये जो इसका नॉर्मल वाला स्किन हो गया, उसके बाद देखो नट क्रैकर बक यहाँ पे ये वाला स्किन है, और एक ये बकोलिक वाला है, और एक ड्रैगन बक वाला स्किन है। मतलब 3 ही स्किन है, मान के चलो 2 ही स्किन अभी तक आया है ऐसे फ्री वाला, और एक तो लेवल अप करने पर ये ड्रैगन बक वाला मेरे को मिला, तो इसका स्किन उतना कुछ अभी दिया नहीं है, तो आने वाले टाइम में और भी न्यू स्किन बक का हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। और इसके साथ ही गाइज बक का भी फिलहाल मेरे पास 2 इमोट है, 2 इमोट लगा लिया, और एक मेरे पास ये क्रिएटर वाला इमोट है, बिकॉज आई एम ए क्रिएटर, तो इसलिए गाइज यहाँ पे जो है हम लगा दिए क्रिएटर वाला। और आ जाओ गाइज अवर एक नेक्स्ट गेम में, और अब गाइज हम लोग यहाँ पे इमोट यूज करके जो एनिमी को मारेंगे। तो इसके साथ ही गाइज अब हम यहाँ पे जो है अपना शॉर्ट गन उठा लेंगे, शॉर्ट गन मिल गया आराम से, शॉर्ट गन आ चुका है मेरे पास। और उसके बाद ये रहा बम भी उठा लिया। और गाइज यहाँ पे देखो ये निक्स लेवल 11 का निक्स है भाई, ये काफ़ी फास्ट वक्त है, और इसका मतलब इसका जो हेल्थ वेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो ये रहा ये लेडी, और साथ में गया ये एक को तो मार दिया, और इसका मेडिकेट यूज करेंगे। और लेडी गाइज देखो यहाँ पे हम तो फायर कर रहा है, लेडी को पता है कि ये किससे निपट रहा है भाई, लेवल 13 है, तो लेडी गाइज यहाँ पे भाग गया है। और इसके साथ यहाँ पे जो है हम उठा लेंगे ये, देखो ये छिप सकते हो, ये वाला जो यहाँ पे आइटम एक मतलब इक्विपमेंट जो है गेम में जो आइटम यहाँ पे था गाइज, इससे जो गाइज तुम छिप सकते हो। और साथ में अगर तुम किसी को फायर करोगे या अगर कोई तुम्हारे ऊपर फायर कर देगा तो गाइज तुम फिर से जो है रिवील हो जाओगे, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो भाई काफ़ी ख़तरनाक सा फाइट हो रहा है, पानी में यहाँ पे एक मर गया। एंड उसके बाद भाई वहाँ पे लेजेंडरी गार्ड को मार के जो है इसमें हमको लेजेंडरी वाला वेपन्स मिलेगा। तो ये रहा लेजेंडरी गार्ड, जो काफ़ी ख़तरनाक गार्ड है, और इसको सब कुछ आता है कि इसको मारे जल्दी जल्दी इससे वेपन उठा लेने का। तो गाइज फाइनली हम लोग यहाँ पे लेजेंडरी गार्ड को मार दे, और यहाँ पे हमको मिल चुका है ग्रेनेड, लेजेंडरी ग्रेनेड मिल चुका है। और अब तो भाई यहाँ पे ये लोग को ज़्यादा डैमेज पड़ेगा बिकॉज मेरे पास लेजेंडरी ग्रेनेड है। और यहाँ पे जो एक ये नेक्स्ट भाग गया, और इसके साथ यहाँ पे जो हमें स्पीकर भी उठा दिया, गोल्डन स्पीकर बोल रहे भाई,
गोल्डन स्पेड आ चुका है मेरे पास और सिल्वर वाला शॉटगन हो गया। एंड उसके बाद भाई ये गया मेरे से, भाई फाइट लड़ा था, ये भी मर गया यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो लेडी, ये गया यहाँ पे, इसका एक्टिव स्किल यूज़ किया और यहाँ पे बक जो है ये भैंसा सिंह से ही मार दिया। तो भाई तुम लोग बताना कैसा लगा तुम लोग को इसका एबिलिटी। तो हमको तो भाई गजब लग रहा है, क्योंकि बस यही थोड़ा एक दिक्कत है, ये थोड़ा स्लो चलता है, ठीक है, स्लो स्लो चलता है। एंड बाद बाकी भाई अगर तुम इसको अगर अच्छा से एक्टिव स्किल यूज़ करोगे, अगर तुम सिंह लेकर मार दोगे तो भाई यहाँ पे जो भी सामने वाला एनिमी होगा उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। और साथ में तुम स्पेयर से मार सकते हो, तुम बम का यूज़ कर सकते हो इस करेक्टर के साथ, शॉटगन का यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा जो है बेस्ट करेक्टर अगर तुम यूज़ करना चाहो। और ये देखो एक कछुआ, ये मेरे से फाइट ले रहा भाई, यहाँ पे लास्ट बंदा बचा हुआ है, एक बंदा और था। तो फाइनली गाइस ये वाला भी मैच यहाँ पे बुआ कर लिया, विक्ट्री हो गया गाइस, बुआ बोलते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तुम लोग बताना बक के साथ गेम प्ले कैसा लगा। और प्राइमल स्ट्री जल्दी गाइस कोशिश करेंगे इसका अनलॉक करने का, और न्यू वीडियो जो है और भी अलग अलग टाइप का जल्दी आ रहा है गाइस। तो अगर तुम्हें चैनल पर न्यू हो, अगर जुबा वीडियो देख रहे हो गाइस एंड जुबा खेलते हो, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और साथ ही सब्सक्राइब कर देना, और जो तुम्हारे दोस्त लोग जुबा खेलते हैं उसके पास भी शेयर कर देना, जो कि थोड़ा भी मेरा हेल्प हो जाए, ठीक है। एंड उसके साथ गाइस देख लो भाई बक का लुक ये रहा, ड्रैगन वाला बक। और इसमें गाइस एक और इमोट हमको मिल रहा है, वो भी इमोट हम यहाँ पे ले ही लेते हैं, छोड़ेंगे क्यों। तो ये रहा इसका, इतना ट्रॉफीज करने पर ये इमोट मिल गया, चिकी बक। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गाइस।